आज हम लोग इस वीडियो में सारस पक्षी के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे। सारस दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षी हैं। सारस को इंग्लिश में क्रेन कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम ग्रुइडे है। कुछ सारस में हिमालय के ऊपर उड़ने की क्षमता होती है। क्रेन की 15 प्रजातियां होती हैं, जिसे एंटीगोन, बैलरिका और ग्रस 3 जेनरा में रखा गया है। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। सारस लंबे पैर, गर्दन और आमतौर पर लंबी चोंच वाले पक्षी होते हैं। इसकी गर्दन घुमावदार होती है और देखने में बेहद सुंदर लगती है। डेमोइसेल क्रेन सबसे छोटी क्रेन प्रजाति है, जबकि सारस क्रेन सबसे ऊंची क्रेन प्रजाति है। लाल मुकुट वाले सारस को सबसे भारी प्रजाति के रूप में जाना जाता है। हुपिंग क्रेन सबसे लंबा अमेरिकी पक्षी है। इसकी ऊंचाई 5 फीट और इसके पंखों का फैलाव 7 फीट तक होता है। सारस प्रतिदिन भोजन की तलाश में लगभग 500 मील की यात्रा कर सकते हैं। सारस रात में उथले पानी में बैठती हैं, क्योंकि पानी में कोई भी छींटे उन्हें आने वाले खतरे के बारे में सचेत कर सकते हैं। सारस लगभग दुनिया भर में पाए जाने वाला पक्षी है। ये पक्षी अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका को छोड़कर हर महाद्वीप में पाए जाते हैं। सारस क्रेन भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली एक बड़ी गैर प्रवासी पक्षी है। भारत में यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। सारस सर्वाहारी लंबे पैरों वाले पक्षी हैं, जो विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों को खाते हैं। सारस बीज, जामुन, अनाज, कीड़े, सरीसृप, छोटे स्तनपायी और यहाँ तक कि अन्य पक्षियों को भी खा सकते हैं। सारस पक्षी का वजन 5 से 9 किलोग्राम के आसपास होता है। सारस पक्षी का औसत जीवन काल 20 से 25 वर्ष तक का होता है। सफेद, ग्रे, काला, नीला और लाल रंग विभिन्न क्रेन प्रजातियों में पाए जाते हैं। सारस को शाश्वत यौवन, खुशी, वफादारी और सफल विवाह का प्रतीक माना जाता है। यह पक्षी अधिकतर जोड़ों में ही देखा जाता है। सारस आजीवन एकांगी जोड़ा बंधन बनाते हैं। एक बार जोड़ा टूटने पर यह वापस कभी भी जोड़ा नहीं बनाते हैं। सारस एक प्रवासी पक्षी है, जो एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं। सारस की कुछ प्रजातियां एक ही क्षेत्र में अस्थायी रूप से रहने के लिए जानी जाती हैं। अन्य सारस जैसे कि हुपिंग और साइबेरियन क्रेन सर्दियों में लगभग 10,000 मील की यात्रा करने के लिए जाने जाते हैं। सारस का प्रवास इतना लंबा और कठिन होता है कि इनमें से कई थकान और भूख के कारण मर जाते हैं। अधिकांश सारस आर्द्र भूमि और दलदल में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पानी और खुले स्थान की आवश्यकता होती है। उनका घोंसला आमतौर पर उथली आर्द्र भूमि पर बनता है। क्रेन प्रजातियां खुले घास के मैदानों और रेगिस्तानों पर भी घोंसला बनाती हैं। हालांकि दो ताज वाली क्रेन प्रजातियां पेड़ों में घोंसला बनाती हैं। सारस अत्यधिक सामाजिक होते हैं और अपने विशिष्ट स्वरों के लिए जाने जाते हैं। मादा सारस अंडे देने के लिए घोंसला बनाती हैं। वो आमतौर पर एक बार में 2 अंडे देती हैं। अंडे सेने में लगभग 30 दिन लगते हैं। माँ सारस चूजों को खिलाती है और उनका पालन पोषण करती है। पिता सारस अपने परिवार और आवास को शिकारियों से बचाते हैं। जब चूजे 10 महीने के और मजबूत हो जाते हैं, तब वो घोंसला छोड़ देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर किड्स।
Please like and share this video. For more updates and informative videos, kindly subscribe this channel.